I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो पब्लिक, तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी मस्ती में होंगे। मेरा नाम है माइकी, एज नोन एज डीजे माइकी। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैं ट्रैवल रील्स डालता हूँ, बट ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप आफ्टर कोविड। तो मैं अभी जा रहा हूँ दुबई, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। मैं आपको बताऊँगा कि दुबई में आप क्या क्या घूम सकते हैं, एक एवरेज कॉस्ट में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मेरा 7 डेज़ ट्रिप है। अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, टर्मिनल 3 पे। मेरा इमिग्रेशन हो चुका है, ये मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है, पासपोर्ट। मेरी टिकट है एयर इंडिया से, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एयर इंडिया से मत बुक करना, बहुत ही ख़राब फ्लाइट है। बट ठीक है, मेरी मजबूरी थी, मुझे जल्दबाजी में करनी पड़ी। मेरी जो टिकट है 15,000 में हुई है, बट आप बहुत पहले करा सकते हैं बुक। अगर आप पहले करा लेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट 8-9,000 की हो जाएगी। बट ये मैंने सडन कराया था। वीज़ा मैंने एक ट्रैवल एजेंसी से लिया है, जो मैंने एक्सप्रेस वीज़ा लिया था। अप्रॉक्सीमेट 8,000 पर पर्सन मेरा वीज़ा आ गया था विदिन 24 आवर। तो आप भी एक्सप्रेस वीज़ा ले सकते हैं वैसे तो। फाइनली मैं दुबई में आ चुका हूँ। इमिग्रेशन मेरा क्लियर हो चुका है, मुझे आए हुए 30 मिनट्स हो गए। इमिग्रेशन काउंटर पर मैं वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मैं इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद अब वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। इमिग्रेशन मेरा बहुत इजीली हुआ था, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं मुझसे। बहुत भीड़ थी इमिग्रेशन काउंटर पर। मेरा पासपोर्ट देखा, नाम पूछा, एंड एंट्री दे दी, बस कुछ नहीं पूछा। बहुत इजी था इमिग्रेशन क्लियर करना। ये दुबई एयरपोर्ट है। बैगेज काउंटर से मैंने अपना बैग ले लिया है। ये ड्यूटी फ्री है, यहाँ से आप वाइन दारू ले सकते हो। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. ये रूम हमें पड़ा है 4,500 रुपये पर डे पे, और 7 दिन के हिसाब से जो भी 30,000 समथिंग अमाउंट होता है अप्रॉक्सीमेट, वो हमारा लगा है। और एडिशनल हमें टैक्स यहाँ पे 60 दिरहम पे करना पड़ा है, जो ऑनलाइन नहीं हुआ था। ये हमने बुक करा था मेक माई ट्रिप से। बाकी मेरे हिसाब से ये रूम बेस्ट है, 4,500 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है। पूल भी अच्छा है, आप जिम भी यूज़ ले सकते हो, और सबसे मेन चीज़ है यहाँ का व्यू। और आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत बचता है, क्योंकि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर भी यहीं है, दुबई मॉल यहाँ पे है, बुर्ज खलीफा यहाँ पे, स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे। यहाँ से ट्रांसपोर्ट की हर सुविधा बहुत ही ईजीली है। हमारे होटल से निकलते ही मेट्रो है, बस स्टैंड है, और कैब्स भी आपको ईजिली मिल जाती है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कैब में ना जाके आप मेट्रो या बस में ही जाओ, और जो बहुत ही सस्ता पड़ता है। वरना आप कैब में जाके भैया लौट जाओगे। जितना पैसा कैब में खर्च करो ना, उतनी की शॉपिंग कर लेना, थोड़ी मेहनत ही कर लेना। बस मेट्रो में, बस में जाए तो जाके। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. रूम में घुसते ही यहाँ पर किचन है. यहाँ वॉशिंग मशीन भी लग रही है. अपने कपड़े भी यहाँ धो सकते हैं आप. ये किचन है, आप कुछ ला के भी यहाँ बना सकते हैं. हम लोगों ने तो भाई मैगी बनाई थी और अंडे बनाए थे. ये बाथरूम है, बाथरूम भी ठीक है. बाथ टब बना हुआ है. ये भाई फ्रिज हो गया, कबर्ड हो गए. भाई रूम की हालत तो ख़राब हो रखी है क्योंकि हम लोगों ने शॉपिंग बहुत करी थी, तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है. खैर हमने सामान तो पूरा पैक कर लिया है हमारा. ये पूरा रूम. ये प्रकाश भाई बैठे. प्रकाश भाई जनता को है बोलो. भाई हमारे रूम की सबसे ख़ास बात यह है कि हमारी बालकोनी बहुत ही सेक्सी है. हमारी बालकोनी से व्यू देखो भाई. भाई बुर्ज खलीफा बहुत ही आस पास दिखता है. शायद आपको वीडियो में दूर दिख रहा हो कि मैं 0.5 मूड में शूट कर रहा हूँ. अगर मैं प्रॉपर वीडियो शूट करूँगा तो आपको बहुत ही पास दिखेगा.